गीता जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा और बोलते हैं कि संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें करी हैं, तो क्या हैं वो बातें जो महिलाओं के लिए उन्होंने लिखी हैं और महिलाओं को जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा क्लियरेंस करें कि संविधान में क्या बेनिफिट्स हैं महिलाओं के लिए और महिला उससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं संविधान में लिखी बातों से। देखिए, महिलाओं से फ़ायदा नहीं उठा सकती, बल्कि महिलाओं से फ़ायदा उठा रही हैं। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आज महिलाओं की स्थिति ये नहीं होती जो आज है। आज महिला देखो देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बनती है, वो किसी जाति या धर्म से नहीं आती है। देश की किसी भी वर्ग की महिला, चाहे वो कोई भी हो, उसको वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक पुरुष को प्राप्त किए गए हैं। और ये अधिकार हमें सिर्फ बाबा साहब ने ही दिए। जब उन्होंने इस व्यवस्था में देखा कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, और बाहर जाकर जब वो 1913 में बाहर गए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने देखा कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से अपने काम करती हैं और किस तरह से उन्होंने देश को सर्वोपरि बनाया हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, उन्हें सिर्फ एक वस्तु, भोग की वस्तु समझा जाता है। उन्होंने महिलाओं को इस चीज़ से निकाला, उनकी पीड़ा को समझा, उन्होंने इस दर्द को समझा, उन्होंने समस्त देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आती हो, उनको वो सम्मान दिया, वो इज्जत दी, जिससे कि आज महिलाएं देखो कहाँ तक पहुँच गई हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज करंट व्यवस्था ये हो गई है कि महिलाओं को फिर से पिछाड़ा जा रहा है। हम देखते हैं महिलाओं को जगह जगह उन बलात्कार हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो इस सरकार से अपील करती हूँ कि किसी भी तरह से जैसे भी हो महिलाओं को बराबर के हिस्से में लाएं, पुरुष के बराबर लाएं, और उनको वो इज्जत और वो अधिकार मिलने चाहिए जो उनके हैं।